जॉन साहब, ये बताइएगा, पिछले साल हमने देखा मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई, घरों में घुसा पानी। अब की बार हुकूमत ने कहा है हमने बेहतर इंतजाम करें, आपको लगता है अब की बार बेहतरी देखने में आएगी? यार मेरे भाई, आप ये बताओ, जो जब से ये हुकूमत पाकिस्तान बने, जब से आज तक ये हुकूमत ने जितने भी बातें की, वादे की, आज तक पूरा किया नहीं किया ना? मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ पर बारिश होते, बिलावल साहब बोलते हैं ना, जब ज़्यादा बारिश होगा तो ज़्यादा पानी आएगा, जब ज़्यादा होगा तो वही बात है ना। तो अब यहाँ पर इधर हमारे पीछे अंडर पास है, पिछले साल जितना बारिश हुआ था कि वो भर गया था, सही है। इस दफ़ा हमें तो बज़ाहिर कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। ये कराची का मेन शहर है और यहाँ पर हम लोग तीन तलवार के पास खड़े हुए। अब देख लेना, यहाँ पर बारिश होना तो ये सारे रोड जितना भी आपको नज़र आए ना, सब के बेहतर हो जाएगा ऊपर, और लोग यहाँ पर क्या, बच्चे क्या नहाएंगे इसके ऊपर, सही है ना? नाली की सफाई है ना, खड्डों की सफाई है, ये सारा का सारा पानी ऊपर आएगा और ऊपर बेहतर हो जाएगा। अब की बार लेकिन वफाक ने भी कहा कि हमने काफ़ी बजट कराची पे लगाया है, सिंध हुकूमत ने भी कहा हमने काफ़ी बजट कराची की तरक्की पर लगाया है, नए रोड बनाए हैं, आपको लगता हुआ दिखा है कहीं? भाईजान, ये सिर्फ सनी असम्बली में, कौमी असम्बली में सिर्फ बातें करते हैं और वहाँ पर डब 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 डेक से बजाने वाले हैं, सही है। बाकी यार ना यहाँ पर हमें रोड नज़र आते हैं ना कुछ नज़र आते। हाँ, कुछ थोड़े बहुत जो है ना गलियों वलियों को सेट कराया, लेकिन फिर भी वो कुछ टेढ़े हैं, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही है। इस हुकूमत से तो हम लोग यही मुतालबा कर सकते हैं, ताकि जाकर सन का हुकूमत है, सही है, हम ये बोल रहे हैं कि कम से कम ये रोडों का जो तरीकाकार है ना, इसको सीधा कर ले, नालियों को साफ करे, सही है। मेन हाल यही है, कचरा उठ जाएगा ना तो पानी फिर खुद उठ जाएगा, और जब ये जितना कचरा नालों के अंदर होगा तो पानी कहाँ जाएगा, वहीं ऊपर आएगा, घरों में भी जाएगा, और जो है ना जो ऊपर बिल्डिंगों में रहते हैं उनका तो मसला नहीं है। मसला मेन क्या है, जो झोपड़ों में रहते हैं उनका मसला है, जो गरीब जो है ना नीचे घरों में रहते हैं उनका मसला है, उनका घर जो है ना भर जाते हैं, दो तीन दिन अंदर रहते, कोई मसला तो नहीं है ना? ना हुकूमत उनको कोई रिलीफ देती है, ना कोई इंतज़ामिया आती है उनके पास, सिर्फ वो लोग अपने मदद आप लगे होते और पानी बाहर निकालना होते, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? अब कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली है, मानसून सीज़न तकरीबन आ गया है जी, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, किन चीज़ों में बेहतरी लाए, गरीब आवाम का कैसे ख्याल रखा जा सकता है? भाईजान, सबसे पहले तो करने वाले ज़ात अल्लाह की है, बारिश हो तो उसकी मर्ज़ी है, ना हो तो भी उसकी मर्ज़ी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते। लेकिन मेरा पैगाम हुकूमत से ये है कि सन हुकूमत से भी है और जो पूरा पाकिस्तान का हुकुमरान है उनसे भी है कि भाई गरीब आवाम का थोड़ा ख्याल रखो, क्योंकि गरीबी हर जगह वही मरता है, वो चाहे रोड पे आ जाए तो वही मरता है, एक्सीडेंट आ जाए तो वो गरीब मरते है, सही है। लेकिन सारे मसले मसाइल जो है ना क्या है, किसके लिए? गरीब आवाम के लिए। अगर हमारे रोडों पे है जो, वो भी गरीब आवाम के लिए ख़राब है, सही है। बाकी जो सही लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल सही है अपने, उसका कोई मसला नहीं है, सही है। सारे अखराज सब कुछ किसके लिए? गरीब आदमी के लिए, ठीक है। अगर हुकूमत कोई चाहे रोडों को सही करे तो हो सकते सही बेहतरी आ सकती है, तब्दीली भी आ सकती है, लेकिन हुक्मरान तो हो, वो सारे एक दूसरे को परताने कर रहे कि इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, सारे कौमी असम्बली और सनी असम्बली में क्या चल रहे, यही लांझे चल रहे और क्या है। वो बोल रहे उसने बजट गलत लगाया, उसने बोला बजट पास ही नहीं हुआ, कोई पर्चियाँ पाड़ के फेंक रहे, ये पाकिस्तान नहीं है, पता नहीं क्या है, हमें समझ में नहीं आता।